रियलमी 4 जनवरी को चाइना में एक लॉन्च इवेंट की प्लानिंग कर रहा है, जिसमें से वो अपने आगामी टॉप द लाइन फ्लैगशिप स्मार्टफोन लॉन्च करने की प्लानिंग चल रही है। वैसे एक बात बताऊंगा, अभी इसके लॉन्च होने में कुछ वीक अभी बचे हुए हैं, मतलब क्या मोटा मोटा मान लो 2 हफ्ते, लेकिन इसके सारे स्पेसिफिकेशन और फीचर्स सब ऑनलाइन लीक्स हो चुके हैं। तो अगर यूं बात करें कि बस वही एक प्राइसिंग बाकी है, बाकी सब कुछ बाहर आ गई है। हालांकि एक बात आपको बता दूं, अभी कुछ दिन पहले रियलमी ने एक फ़ोटो शेयर की थी अपने सोशल मीडिया माध्यम में, मतलब चैनल्स पे, उसमें एक डिज़ाइन को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें से ये बाकी जो फीचर्स थे कैमरे के और क्या SoC हो सकती है इसमें, क्या डिस्प्ले थी, क्या इन्फॉर्मेशन थी, सब कुछ वैसे उन्होंने खुद ही लीक कर दिए। तो ये उम्मीद ही नहीं कर सकते कोई और लीक करे। तो अगर इन्होंने जो डिज़ाइन शेयर की है उससे एक पता ये लग रहा है, स्पॉइलर आपको दे दूं कि इसमें QHD+ की एक डिस्प्ले होगी, 5000mAh की बैटरी होगी, स्नैपड्रैगन 8th जनरेशन वाला इसमें प्रोसेसर होगा। तो ऐसे ही मस्त मस्त स्पॉइलर्स के लिए अगर चैनल पर ना हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर देना। एक स्पॉइलर और दे रहा हूँ आपको, इन्होंने जो अभी हाल ही में एक इमेज शेयर की है उसमें से एक कहते ना, जो पहले हम प्लान कर रहे थे और अभी दिसंबर कुछ वीक एक कुछ दिन पहले कि लॉन्च होने वाला, लेकिन लॉन्च इवेंट नहीं हुआ था। इन्होंने कुछ अपने फ़ोन्स की खूबियां बताई थी, जैसे कि वर्ल्ड फर्स्ट 150° FOV वाला एक अल्ट्रा वाइड सेंसर, इसके बाद वर्ल्ड फर्स्ट 360° NFC कुछ ऐसा दिया था, इसके बाद आपने ये प्रोसेसर के बारे में कुछ छोटी मोटी चीज़ें बताई थी, कुछ ऐसा ही बताया था। इसके बाद इन्होंने अपनी शांति पकड़ ली थी, लेकिन फाइनली अभी इन्होंने डेट रिवील करी है, 4 जनवरी को चाइना पे रियलमी GT2 Pro लॉन्च हो जाएगा। बात करते इस वाले फ़ोन के बारे में, लेकिन आपको बता दूँ ये वाला फ़ोन ऑनलाइन Geekbench वेबसाइट और टेना सर्टिफिकेशन में लिस्ट हो चुका है, जिससे इसकी सारी स्पेसिफिकेशन यानी इसका कच्चा चिट्ठा पूरा बाहर निकल के आ गया है। तो उसी कच्चे चिट्ठे के बारे में हम जानेंगे क्या कुछ नया देखने को मिलने वाला है। Geekbench वेबसाइट पर एक मॉडल नंबर है RMX 3300, इसमें से 12GB रैम एंड एक 256GB स्टोरेज के साथ एक स्नैपड्रैगन 8th जनरेशन वाला चिपसेट दिख रहा है, जो मैक्सिमम 3.10 पे ये क्लॉक्ड है। साथ के साथ इसमें एंड्रॉयड 12 के साथ रियलमी UI 3 भी देखने को मिल रही है। मॉडल नंबर जो लिस्ट हुआ इसमें से ये कन्फर्मेशन आ रही है कि ये वाला आने वाला रियलमी का फ्लैगशिप स्मार्टफोन GT2 Pro है। तो मतलब आधी इन्फॉर्मेशन तो बाहर आ गई, रही कोई कसर जो थी वो टेना सर्टिफिकेशन के माध्यम से बाहर आ गई, जिसमें से ये साफ नज़र आ रहा है कि एक 6.67 इंच की QHD+ की एमोलेड डिस्प्ले, 120Hz का एक रिफ्रेश रेट, स्नैपड्रैगन 8th जनरेशन वाला प्रोसेसर है, जिसमें से आपको पता ही है कि इसकी क्या क्लॉक्ड स्पीड है। रैम ऑप्शन 2 दिखाई दे रहे हैं, मतलब 8GB रैम एंड 12GB रैम। स्टोरेज की अगर बात करें तो शायद 128, 256 और 512GB के साथ होगा, लेकिन इस बार इस वाले फ़ोन में microSD कार्ड का सपोर्ट नहीं होगा। तो मतलब यूँ हो सकता है इतना ही। कैमरा इन्फॉर्मेशन भी इसकी बाहर निकल के आई है, एक ट्रिपल ईयर कैमरा सेटअप होगा जिसमें 50MP का एक प्राइमरी सेंसर होगा, शायद सोनी IMX707 है, एक 50MP का अल्ट्रा वाइड सेंसर दिया हुआ है जो कि 150 फील्ड ऑफ व्यू को सपोर्ट करेगा, क्योंकि इन्होंने अभी पिछले लॉन्च में जब बताया था, मतलब लॉन्च तो नहीं था लेकिन फ़ोन्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दिए। और तीसरा सेंसर एक अननोन है, मतलब ये तीसरा सेंसर अननोन नहीं, लेजेंडरी कैमरा है 2MP का, जिसे मैं हमेशा बराती कहता हूँ, और 32MP का एक फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा। और बैटरी इन्फॉर्मेशन भी बाहर आई, जिसमें 5000mAh की बैटरी दिखाई दे रही है, लेकिन एक हिंट ये रही कि इस बार 120W की फास्ट चार्जिंग होगी या 65W की फास्ट चार्जिंग होगी, लेकिन लिस्टिंग के हिसाब से लग रहा है 65W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट हमें देखने को मिल सकता है। एक्चुअल में क्या वॉट होता है ये मायने नहीं रखता, लेकिन हाँ फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल सकता है। तो ये इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन है, एंड्रॉयड 12 के साथ आउट ऑफ द बॉक्स में रियलमी UI 3 देखने को मिलेगी, ये ठीक है। थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन आई, जैसे इसके थिकनेस को जैसे 16.3.7.4 8.2 mm कुछ ऐसे बताया था, 199g है, और थोड़ा सा इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, मतलब ऐसे सारी चीज़ें देखने को मिल सकती है जो कि फ्लैगशिप स्मार्टफोन में होती है। कुछ कैमरा इन्फॉर्मेशन भी बाहर निकल के सामने आई है। एक और इन्फॉर्मेशन आई जिसमें कहा था कि रियलमी GT2 Pro 4 कलर ऑप्शन में होगा, शायद एक फ़ोन हमें इसमें अंडर डिस्प्ले कैमरा सेंसर वाला भी देखने को मिल सकता है, और एक 1TB स्टोरेज वाला भी फ़ोन देखने को मिल सकता है।
एक्चुअल में कितने फ़ोन आने वाले हैं ये तो लॉन्च इवेंट में ही पता चलेगा, लेकिन हाँ इतना ज़रूर कहूँगा कि रियलमी की तरफ से बहुत बड़ा फ़ोन आने वाला है और शायद ये इनका पहला फ्लैगशिप स्मार्टफोन होगा जो कि ये बेहतरीन तरीके से लॉन्च करने की प्लानिंग कर रहे हैं। शायद इसीलिए इन्होंने अपना पिछला लॉन्च डे लॉन्च इवेंट को डिले किया था और शायद ये तैयार नहीं थे कि हम मार्केट में इसे इंट्रोड्यूस करें किस हिसाब से, लेकिन पहले चाइना में जाएगा, चाइना के बाद ही इंडिया में आएगा। तो अगर इंडिया की बात करें तो हम ये शायद जनवरी महीने में देखने को मिल सकता है, होपफुली। कन्फर्मेशन तो यही है, फ्लैगशिप फ़ोन होगा 40-50 हज़ार की प्राइस के साथ ये लॉन्च होगा, लेकिन चाइना में 35-40 हज़ार की प्राइस के साथ चला जाएगा। होपफुली देखते हैं कुछ अच्छा हमें, अच्छा फ़ोन हमें रियलमी की तरफ से देखने को मिले, उम्मीद तो यही कर रहे हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो, होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा, थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन तो ज़रूर लगा होगा। पसंद आया वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मेरा नाम है विकास, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।